एक नहीं एक दर्जन। हाँ ला देना। क्या बोल रहा ऑफ नहीं है। हाय गाइस। नहीं एक तो यार पता है आपके सामने जैसे आप कहते हैं ना कि मैंने तेरे को इस रूम में नहीं देखा, मैं नर्वस हो जाता हूँ। क्या मैं आपके सामने नर्वस हो जाता हूँ? अकेले में तो वैसे हो जाता है क्या? और हम ज्यादा में रहता है मैं तो आपके सामने थोड़ी सी हेजिटेशन हो जाती है। आप हो नहीं हो मतलब ध्यान नहीं देगा मतलब हाय गाइज वेलकम टू आवर चैनल ऑन वन पूर्वीज ब्लॉग। गाइज अभी आपको बिहाइंड द सीन में अगर मज़ा आया है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं इस तरह से बिहाइंड द सीन आप लोगों के लिए और डालती रहूँगी। और यहाँ मैं ब्रेकफास्ट के लिए काट रही हूँ प्याज और अब काट रही हूँ इडली और साथ में काटूंगी मिर्च और फिर मैं करूँगी इडली को फ्राई। ये फ्राई की हुई इडली बहुत टेस्टी लगती है ब्रेकफास्ट में, तो चलिए शुरू करते हैं इडली फ्राई करना। तो सबसे पहले मैंने एक बर्तन में तेल डाल लिया है और अब मैं यहाँ पर हरी मिर्च काट रही हूँ और अब मैंने डाल दिया है इसके अंदर राई और राई के बाद मैं इसमें हरी मिर्च डाल दूँगी और साथ में डाल दूँगी प्याज और प्याज और हरी मिर्च जब सौते हो जाएंगी तब मैं उसमें डालूँगी इडली। और इडली डालने के बाद सारे मसाले उसमें डालेंगे। ये मैंने इसमें इडली डाल दी है और अब मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और साथ में थोड़ा सा नमक। और नमक डालने के बाद अब मैं डालूंगी इसके अंदर थोड़ी सी बूरा शक्कर और बूरा शक्कर डाल के इसको अच्छे से चला दूंगी। आज हम लोगों का जो शेड्यूल है वो बहुत हैक्टिक शेड्यूल है। हमें पूर्वम के पीटीएम में जाना है और उसके बाद बहुत सारी फ्लैट्स के लिए शॉपिंग करने जाना है। तो चलिए चलते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर घर से निकलते हैं, फिर मैं मिलती हूँ आपको गाड़ी में। हाय गाइस वेलकम ऑन माय चैनल। और अभी हो रहे हैं सुबह के 10, टाइम 10 बज रही है और हम लोग जा रहे हैं पूर्वम के पीटीएम में। मैंने आप लोगों को भी बता ही दिया था कि हमको आज पूर्वम के पीटीएम में जाना है। आज पूर्वम यूनिफॉर्म में भी नहीं आया क्योंकि उसके बाद हम लोगों को और भी आगे बहुत सारी जगह जाना है। आज पूरा दिन हम लोगों का फुल हैक्टिक रहने वाला है क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि मेरे फ्लैट में मतलब हम लोगों ने अपना फ्लैट परचेज कर लिया और वहाँ इंटीरियर वर्क चल रहा है, तो बस उसी के रिगार्डिंग हम कुछ सामान वगैरह लेने के लिए आज जाएंगे। तो एक बार में तो कोई चूज होता नहीं है, वो जगह जगह आपको अलग अलग शॉप पे जाना पड़ेगा और अलग अलग चीजें देखनी पड़ेंगी। बहुत 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 बड़ा काम होता है ये और घर बनाना तो बहुत बड़ा काम होता है। मैं मुझे समझ में आ चुका है जो बड़े बूढ़े लोग कह के गए कि इतनी आसानी से घर नहीं बनते, ये बात बिल्कुल सच है कि इतनी आसानी से घर नहीं बनते। बड़ा छोटा कुछ भी हो कैसा भी हो, जब अपनी चीज होती तो अपने को लगता है ऐसा करें ऐसा करें नहीं ऐसा करें। तो बस उसी के लिए हम लोग पूरे दिन आज निकलेंगे और आप लोगों को भी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या चूज कर रहे हैं। मैं पर्टिकुलर चीजें तो आपको बताऊंगी नहीं अभी कि मैं क्या चूज कर रही हूँ या मैं क्या लेकर आई हूँ, बट थोड़ा बहुत आप लोगों को हल्की हल्की झलक दिखी जाएगी कि मैं कहाँ कहाँ गई हूँ, क्या क्या मैंने देखा है। फाइनल तो आप लोगों को फाइनल लुक तो घर बनने के बाद ही पता चलेगा दिखेगा। और बस ऐसा ही है, छोटे मोटे एक दो काम करके और फिर हम लोग निकलेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से बाद में। और पूर्वम हाय, आज पूर्वम यूनिफॉर्म में नहीं है, आज इसकी टीचर कुछ ना कुछ बोलने वाली है, डांटने वाली है। खैर जो भी, यूनिफॉर्म में लेकर पूरे दिन सुबह
गाइस तो अब यहाँ से हम सीधा घर जाएंगे, रात की 9:30 हो चुके हैं। ओके गाइस तो अब हम लोग घर आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, डिनर भी कर चुके हैं और डिनर में सिर्फ भेल खाई और कुछ भी नहीं खा पाए, इतने थक चुके हैं। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय गाइज़।